नारायण राणे का मोदी कैबिनेट में शामिल होना उद्धव ठाकरे और शिवसेना के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। यही वजह है कि नारायण राणे के बेटे नितेश राणे ने शिवसेना पर तीखे तीर चलाए। पिता नारायण राणे के बाद मोदी कैबिनेट में शामिल होने के बाद बेटे नितेश राणे ने शिवसेना पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया और कहा कि महाराष्ट्र में बुधवार से बर्नौल की डिमांड बढ़ गई है। पहले शिवसेना, फिर कांग्रेस, छोड़ बीजेपी में शामिल हुए नारायण राणे अब मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा बन गए हैं। उन्हें लघु व मध्यम उद्योग मंत्री बनाया गया। नितेश ने ट्वीट कर कहा, रेमडेसिविर के बाद महाराष्ट्र में बर्नौल के लिए बड़ी डिमांड है, खासकर शिवबंधन पहनने वाले लोगों में। कल से काफी सारा स्टॉक खत्म हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे जी, कृपया मामले को देखें। आपसे विनम्र निवेदन है। दरअसल नारायण राणे को मोदी कैबिनेट में शामिल कर बीजेपी ने एक तीर से दो निशाने साधे। कोंकण क्षेत्र में आधार मजबूत करने के साथ ही मराठा वर्ग की नाराजगी को दूर करने की कोशिश इसके पीछे छिपी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से मराठा आरक्षण को रद्द किए जाने के बाद समुदाय विशेष महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार से नाराज बताया जा रहा है। चूँकि नारायण राणे मराठा वर्ग से आते हैं, ऐसे में बीजेपी ने उन्हें मंत्री बनाकर इस समुदाय को साधने का भी काम किया है। नारायण राणे परिवार का कोंकण में काफी वर्चस्व है। राष्ट्र में 1989 में शिवसेना के साथ बीजेपी के गठबंधन के बाद से ही कोंकण क्षेत्र हमेशा शिवसेना के हिस्से रहा। ऐसे में बीजेपी इस क्षेत्र से ऐसा चेहरा चाहती थी जो शिवसेना को कड़ी टक्कर दे सके, और नारायण राणे को साधकर बीजेपी की ये तलाश पूरी होती दिख रही है। नारायण राणे ने 2017 में कांग्रेस छोड़ने के बाद महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष नाम से संगठन बनाया था, जिसका बाद में बीजेपी में विलय हो गया। इसके बाद से ही बीजेपी कोंकण पर कब्जे का दावा कर रही थी, लेकिन शिवसेना इस दावे को नकारती रही। शिवसेना फिर कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए नारायण राणे अब मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा बन चुके हैं। राणे को मंत्रिपरिषद दे बीजेपी ने अपने कोंकण का गढ़ को मजबूत कर लिया। 1989 में शिवसेना के बीजेपी संघ गठबंधन किए जाने के बाद से ही बीजेपी के साथ सीटों के बंटवारे की व्यवस्था में कोंकण निर्वाचन क्षेत्र हमेशा शिवसेना के हिस्से में रहा है। नतीजतन इस क्षेत्र में बीजेपी की उपस्थिति नाम मात्र की ही रही है, जिसे पार्टी 2014 से ही बदलने की कोशिश में लगी थी, ताकि शिवसेना पर निर्भर रहे बिना वह महाराष्ट्र को नियंत्रित करने में सक्षम हो सके। इसलिए बीजेपी एक ऐसा चेहरा चाह रही थी जो शिवसेना को टक्कर दे सके। राणे और उनके परिवार का प्रभाव मुंबई क्षेत्र को कवर करने वाले दो जिलों मुंबई सिटी और मुंबई उपनगर के अलावा रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगढ़, ठाणे और पालघर जिले में है। कोंकण क्षेत्र के मराठी युवा नौकरी की तलाश में मुंबई आते हैं और पैसे अपने घर भेजते हैं, जिसके कारण कोंकण क्षेत्र, खासकर रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग को अनौपचारिक रूप से मनी ऑर्डर्स इकोनॉमी की संज्ञा दी जाती है। मुंबई और ठाणे को छोड़कर बाकी कोंकण क्षेत्र में 21 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 3 बीजेपी के खाते में हैं। सिंधुदुर्ग की कांकावली, जहां से राणे के बेटे नितेश राणे विधायक हैं, के अलावा पार्टी के पास 2 सीटें रायगढ़ जिले में हैं, जहां की 10 सीटों पर शिवसेना का भी कब्जा है। अन्य सीटों पर कांग्रेस, एनसीपी का कब्जा है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।